अनिल जी, जो अभी कितनी डिमांड है प्लाज्मा की और किस तरह से आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं? सर, हम लोगों का जो 150 लोगों का नेटवर्क बना है उसके अंदर करीब करीब 15 हॉस्पिटल और डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ भी उसमें जुड़ गया है। तो इस वजह से हमें ऐसा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, ईश्वर की कृपा समझें इसे या आशीर्वाद समझें, कि हम जिसको भी जो भी हमारे पास फ़ोन आ रहा है हम उनको प्लाज्मा भी दे पा रहे हैं और बेड पाइप भी दे पा रहे हैं और हम वेंटिलेटर भी दे पा रहे हैं और ऑक्सीजन बेड भी दे पा रहे हैं और सभी लोग सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हमने कुछ प्रिस्क्रिप्शन पैड मंगा रखे हैं, पर्चे, वो हम बंटवा रहे हैं। साथ ही साथ आज हम सारे हॉस्पिटलों में एक अपना पैम्पलेट लगवा रहे हैं, चिपका रहे हैं, कि जिस किसी को भी प्लाज्मा की आवश्यकता है वो हमसे संपर्क करें। अमूमन कितने डोनर आते हैं यहाँ पर? जैसे लगभग अभी तक श्री जी में भी चल रहा था तो वहाँ 40 टोटल मिलाकर 41 डोनर, मतलब सब मिलाकर एवरेज माने तो 21 डोनर हो जाते हैं हमारे थ्रू। बेसिकली आप क्या कार्य करते हैं इसके समाज सेवा के अलावा? हमारा समाज सेवा का काम ये है कि साहब हम कई चीज़ों से, संस्थाओं से, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आर्ट ऑफ लिविंग और लायंस क्लब, इन सभी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा काम ही यही है, जैसी ही हमारा कि मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, बस उसी चीज़ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और ईश्वर से कामना करते हैं सब लोगों की जान बच जाए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। कोविड की जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं तो अमूमन कितने परसेंट लोगों को ज़रूरत रहती है प्लाज्मा की? मात्र वो घर पर ही आइसोलेट रहकर वो ठीक हो सकते हैं। 4-5% पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन से, ब्लड सैचुरेशन से और सारी चीज़ों से, और SpO2 सैचुरेशन कर और दवाइयों से काम कराया जा सकता है। 2-3% है ऐसे कि जिनको और सारी बीमारी है तो उनके लिए थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है। केवल 2-3% लोग हैं जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है। प्लाज्मा के लिए तो ये कि डोनर अभी कई सारे NGOs और इसमें आगे बढ़कर आए हैं जो पॉजिटिव खुद भी हो चुके हैं और इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग जानकारी इकट्ठी करके कि कौन पॉजिटिव रहा था और उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, उस हिसाब से पूरा लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उनको मोटिवेट करके, और जहाँ पर भी ज़रूरत होगी तो वो NGOs जो हैं इस काम को सक्रिय रूप से निभाने के लिए आगे आए हैं। तो वो और बाकी लोगों से भी अपील रहेगी कि जो ठीक हो चुके हैं, कोरोना को हरा चुके हैं, वो भी अपना प्लाज्मा अगर ज़रूरत पड़ रही है जिस किसी भी ज़रूरतमंद को, तो उसके लिए डोनेट अवश्य करें। और हमारे ब्लड बैंक जो हैं, JH का हो और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, रेड क्रॉस का, सब जगह आराम से वो डोनेट करके और ये उपलब्ध करवा सकते हैं जिनको ज़रूरत है उनके लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।